है वो कैसा है कि समंदर के अंदर एक संदूक आया, वो संदूक आया उसमें आपका जिस्म मुबारक था। वो संदूक के बारे में पहले ख्वाब हमारे जो दादा के दादा हुआ थे पुराने गुरु, उन्होंने ख्वाब में देखा था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सरफराज अली, ये वसीम शेख। आज हम आया उरन की एक बारगाह हज़रत मुकीम शाह वली के आस्थाने पर, और आज जैसे कि आप देख सकते हैं आस्थाना मुबारक हमारे पीछे, और हमारे वालिद साहब भी आज हमारे साथ में आए हुए हैं दरगाह की ज़्यारत। अस्सलाम वालेकुम, तो आइए चलते हैं दरगाह की ज़्यारत करते हैं अंदर चल के। Yeah.
सब बड़े खुश नसीब हो जायरों के तो कैसी बस मन आए हो के तुम ऐसी बस हमें आए हो سلام اس پر کے جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کے جس کے پاس چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا گوریا جس کا بچھونا تھا آقا لے لو سلام اکبر مارا آقا لے لو سلام ابو ہمارا سبا تو مدینے جا کے کہنا خدا را آقا لے لو سلام ابو ہمارا آقا لے لو سلام ابو ہمارا غم سے ٹوٹے ہوئے اسی آم ڈوبے ہوئے ہو جائے نظیر کرم آقا ہمارے لیے روز محسل امتی کا روز محسل امتی کا آپ ہی سہارا آقا لے لو سلام ابو ہمارا آقا لے لو سلام ابو ہمارا نور خدا آپ ہے شاہ خدا آپ ہے اے سرور انبیاء بحر سقا آپ ہے یہ عظمت رب نے تم پر قرآن اتارا آقا لے لو سلام ابو ہمارا آقا لے لو سلام ابو ہمارا چاند کے ٹکڑے ہوئے پیڑوں سجدے دیے سورج پلٹیا گیا یہ موجزے آپ کے
सारी दुनिया पर है आका, सारी दुनिया पर है आका, कब्जा तुम्हारा आका, ले लो सलाम बु हमारा आका, ले लो सलाम बु हमारा। दिन रात रोती रहे उम्मत तुम्हारे लिए, हो जाए नजीरे करम आका हमारे लिए। तैबा की गलियों का हमको, तैबा की गलियों का हमको, हो अब नजारा आका, ले लो सलाम को हमारा आका, ले लो सलाम को हमारा आका, ले लो सलाम को हमारा। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या वालिदी आलमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व आलि सल्लम, वस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, वस्सलातु वस्सलाम अलैका या रब्बुल आलमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर सल्लल्लाहु अलैहि। माशाल्लाह मज़ार शरीफ पर ही खड़े हुए हैं, आप पीछे देख सकते हैं हमारे मज़ार शरीफ है, और मज़ार शरीफ का जो अहाता है बहुत ही खूबसूरत है, देख सकते हैं कितना बड़ा अहाता है। यहाँ पे सामने से आपको दिख रहा होगा काफ़ी बड़ा मैदान है, लोग बैठे हुए हैं, खेल रहे हैं बच्चे, और ये दरगाह का गुंबद शरीफ है, और यहीं पर पीछे दरगाह के पीछे जो है, दरगाह के पीछे ये समुंदर है, समुंदर का किनारे पे है। मुकीम शाह वली जो हज़रत ने बताया कि एक पेटी में बहकर आपका जिस्म मुबारक आया था यहाँ पर, तो ये जो मज़ार है ये समुंदर के किनारे पर ही है। ये जो उरन है ये नवी मुंबई में पड़ता है, मुंबई सिटी से थोड़ा सी बाहर महाराष्ट्र में, मुंबई में, न्यू मुंबई में। बोले आप, मैं आपका नाम जान मेरा जी हाँ मोहम्मद अताउल्लाह मोहम्मद हसन तुंगी का ऐसा नाम है। तो अभी हमारे साथ में जैसा कि आप देख रहे हैं हज़रत मुकीम शाह वली दरबार के खादिम साहब है, तो दरगाह का जो करामत है और आपके बारे में आइए जानते हैं इनसे, तो आप कुछ बताना चाहेंगे। हमारा ख़ानदान यहाँ पर 550 बरस से उड़न में रहते हैं जी। तो हमारे बुज़ुर्ग जो थे, हमारे ख़ानदान के जो बुज़ुर्ग थे, वो बुज़ुर्गों के वक्त की बात है, ये बहुत पुरानी बात है, उसका बराबर सना दो तीन उसके अंदर वो है कि जिसने किसी ने ख्वाब में देखा है तो मैं वो आपको दिखाऊंगा, लेकिन मतलब है कि वो तारीख में भी फ़र्क हो जाएगा और उनके नाम में भी फ़र्क हो जाएगा जी। हम लोग बचपन से जब से पैदा हुए हैं, जब से हमको हमारे बुज़ुर्गों ने बताया कि मुकीम साहब जी, इनको मुकीम साहब कहा जाता है जी, और ये अरब से आए हैं जी। तो आए वो कैसा आए कि समंदर के अंदर एक संदूक आया जी, वो संदूक आया उसमें आपका जिस्म मुबारक था। वो संदूक के बारे में पहला ख्वाब हमारे जो दादा के दादा वगैरह थे पुराने बुजुर्ग, उन्होंने ख्वाब में देखा था कि एक संदूक आया है, तो हजरत ने उनको खुद कहा मुकीम साहब ने कि ख्वाब में आके जी कि ये एक संदूक है उसमें मेरा जिस्म है, उसको आप किनारे पर लाओ और दफन करो। तो वो एक दिन ख्वाब देखे तो उनके समझ में नहीं आई बात कि वो समुद्र का किनारा है, लेकिन उरन के बस्ती से काफ़ी 2-3 माइल दूर है वो जी। तो वहाँ कोई जाता नहीं, सब पहले बस्ती में लोग रहते थे, कम इतनी दूर नहीं जाते थे, तो उनको मालूम नहीं पड़ता था कि वो जगह कौन सी है, समुद्र दिखता है। फिर वो दूसरे दिन फिर ख्वाब आया कि तुम अब तक क्यों ना आए, तो फिर उन्होंने गाँव के लोगों को बुला के भेजे, मुस्लिम फैमिली के सबके, भाई ऐसा ऐसा मुझको ख्वाब आता है और एक बुजुर्ग ऐसे आते हैं वो ऐसा बोलते हैं, तो अभी ऐसी जगह है वो समुंदर है, वो कौन सी जगह है वो हमारे ध्यान में नहीं आती, कहाँ है वो जगह।
तो अभी इसका क्या किया जाए, तो बोले अच्छा हम लोग भी जाके तलाश करते हैं। वो लोग गए, फिर तीसरे दिन फिर ख्वाब आया। तीसरे दिन ख्वाब आया तो उस वक्त में क्या हुआ, बाज़ार में जो मच्छी बेचने वाले आते हैं जी हाँ जी, वो मच्छी बेचने वाले लोग आपस में बात करते थे कि एक पेटी आई है वो किसी के हाथ में मिलती नहीं है, संदूक आया है वो किसी के हाथ में आता नहीं, हम लोग पकड़ने जाते हैं तो समुद्र में चला जाता है जी। तो फिर बोले उनको पकड़ के लाओ, हमारे बुजुर्ग ने कहा कि उनको लाओ यहाँ से, लाए उनको। तो उनको उन्होंने बोला कि चलो अभी हमको बताओ कहाँ है वो पेटी, हमको देखना है, क्योंकि हमारे ख्वाब में दो दिन से आ रहे हैं, तीन दिन हुए आज जी हाँ जी। तो उनके साथ सब उड़न के गांव के लोग सब गए, मुस्लिम फैमिली की सब ऐसे मिलके गए। हाँ, देखा तो हाँ संदूक तैर रहा है समंदर में जी। तो सब लोगों ने वजू वगैरह करके और फिर वो समंदर में उतरे संदूक लेने के लिए जी। तो उनके हाथ में वो नहीं आता था, वो पकड़ने जाते थे मच्छी मार लोग, तो उस वक्त उनके हाथ में नहीं आता था, वो चले जाता था वापस समंदर। फिर ये उतरे तो वो हमारे जो बुजुर्ग थे हमारे ख़ानदान के जी हाँ दादा पर दादा हमारे, तो उनके हाथ में वो संदूक आ गया। आ गया वो आ गया तो उन्होंने वो संदूक सबने मिल के वो यहाँ लाए किनारे पर और उसको खोले तो आपका जिस्म अंदर था, एक बहुत ही बहुत अच्छे किस्म का कपड़ा था पतला बहुत बारीक, तो वो एक नली थी पीतल की, वो नली के अंदर वो कपड़ा था जी डाला हुआ। पहले लोग बहुत वैसे मस्तराइज जो होती थी ना मम्मर ऐसी अच्छी चीज़ तो उसमें नली में आती थी, और एक आम की गुठली थी उसमें कुछ खुशबुएं थी। तो वो फिर उनको वहाँ पर वो जगह को साफ करके सब बराबर करके उनको वहाँ दफन किया, कफन वो डाला गया, वो जो कब्र बनी तो उसके ऊपर सिरहाने की तरफ में वो आम की गुठली भी रखी गई है, वो है अभी भी है। तो ये चलता था, फिर वो सब उसका गांव के अंदर भी ऐसा था कि हमारे बुजुर्ग मस्जिद के भी मुतवली वही थे पहले पुराने, और ये भी इसकी दरगाह भी मुतवली। फिर लोगों ने कहा कि अभी आपके हाथ में ये संदूक आया है तो आपको ही ये दिया जाता है, इसका मुतवली जो है वो हाँ आप या इसे आप सब देखने का है। फिर उन्होंने पूरी वो जगह खरीद के दी जी खुद के इसे, और फिर वो उसके अंदर एक मस्जिद बनाई हमारे वालिद ने, और छोटी सी मस्जिद है, और बाकी मुसाफिर खाने हैं वो हमारे चाचाओं ने बनाए, एक सेनेटेरियम बनी है वो हमारे चाचा मतलब भाई ने भाई थे उन्होंने बनाए वहाँ पर। और फिर क्या हुआ कि वो काफ़ी दिन का चलता रहा, हमारा बचपन भी उसमें गया, हम भी उसमें वो ये सब काम करते थे, और होने के बाद सब फिर ओ एन जी सी वहाँ पर आई। तो हमारे यहाँ क्या होता था, एक कुआँ है वो सब कुएँ में खारा पानी उसमें मीठा आता था, वो मस्जिद को लग के कुआँ है, तो वो उसके वो पानी वो बसने होता था, बहुत लोग हज़ारों आदमी आते थे उसमें, तो वो पानी ख़त्म हो जाता था। तो फिर हम लोगों ने हमारे यहाँ के MLA जो थे वो मेरे दोस्त थे बहुत अच्छे दोस्त थे, उनका नाम दत्ता पाटिल था और उनके भाई प्रभाकर पाटिल, ये दो भाइयों ने मेरे बहुत मेहनत की और सब जब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे यहाँ के, तो हम लोगों ने जोर डाला उनको कि हमको एक पाइपलाइन दी जाए वहाँ से फ्री पीने के पानी की। तो उन्होंने फिर वो जैसे वो पाइपलाइन सेंक्शन करा के दी। हमारे यहाँ रोड अच्छा नहीं था वहाँ जाने का, और इतने पहले बहुत रेती थी तो गाड़ियाँ जाने की बहुत मुश्किल थी। फिर उन्होंने ONGC से रोड बनवा के लिया, और वो कंपाउंड के अंदर कांटे की बाड़ थी उसके बदले में उसको सीमेंट की कंपाउंड के बाद बना के लिए, इस तरह उसके बहुत से काम हुए, और उसमें अल्लाह का शुक्र है कि मैं कामयाब हो गया उतने काम में, वो सब ये हो गया। हाँ ऐसा ये आपका उरुस कौन से महीने में? उरुस ऐसा है कि वहाँ पहले ऐसा था ना कि ये फरवरी तक पानी मिलता था जी, फिर मार्च अप्रैल के अंदर पानी सूख जाता था कुएं में सूख जाता, तो इसके लिए ऐसा ये था पहले यहाँ के जितने उर्स हैं वो बारिश के दिन में मिलेंगे आपको जी, यानी बारिश के बाद में ये जनवरी फरवरी ऐसे यहाँ से उर्स मिलेंगे अक्सर। तो हमारे यहाँ भी इसको देख के ही उर्स कायम किया था कि फरवरी के जो 13 तारीख 14वीं रात आएगी मुस्लिम उर्दू तारीख तो उसमें वो उर्स रहेगा, फिर इंग्लिश तारीख कोई भी आए लेकिन फरवरी महीना होना चाहिए बस।
तेरहवा तारीख तो अभी भी उस आएगा तो 8 तारीख है जी, लेकिन 8 तारीख में ऐसा है चांद के ऊपर है, कभी 7 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, कभी 8 जी 9 भी हो सकती है। तेरह तारीख चौदहवीं रात, तेरह तारीख चौदहवीं रात ये है। अच्छा दूसरा ये कि अभी इतने साल में काम करता था तो मुझको वहाँ पर आए बहुत बुजुर्ग भी आते थे, तो एक दफ़ा एक बुजुर्ग आए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि चलो हम वहाँ रहेंगे, तो एक रात हम रुके उनके साथ। तो रुकने के बाद में रात को सुबह में हम उठे तो वो बुजुर्ग ने कहा कि एक बात मैं कहता हूँ आपको कि आपसे ये बुजुर्ग बहुत नाराज़ है। मैं तो घबरा गया कि ऐसा कैसा हुआ, इतने साल से मैं काम करता हूँ जैसे कुछ ऐसी गलती हुई नहीं, फिर ऐसे इतना नाराज़ी कैसे हुई करता हूँ। तो मैं निवास यहाँ से भाग के बम्बई गया, जब बम्बई में उमर बाबा थे शिवड़ी में, उमर शाह बाबा उनके पास गया, वो एक पिरवाई आए थे दरगाह पर, तो मेरी मुलाकात हुई थी वहाँ गया, तो वहाँ पर मैं उनके पास गया तो उन्होंने बहुत इससे बिठाया उनको और फिर चाय वाय पिलाई, खाना भी खिलाया। मैं बोला देखो मैं बहुत अभी इस वक्त परेशान हूँ, मेरा पहले सुनो कि मैं क्यों आया हूँ। बोला ऐसी ऐसी बात है, मैं इतने साल से वहाँ करता हूँ, मेरे को कोई बशायत नहीं हजरत की, तो मैं क्या करूँ। अच्छा तुम मिलोगे हजरत से, मिलना चाहते हो? बोला अगर मिलेंगे आप, मिलाएंगे तो मिलेंगे। तो 8 दिन का टाइम दिया, 4 चौथे दिन वो ख्वाब में आए, माशाल्लाह। ख्वाब में आए तो मैं कहाँ खड़ा था, वो अपन ऊपर चढ़ते हैं, सहन है, सहन से ऊपर चढ़ते हैं सीढ़ियों पर, तो वो दरवाज़ा अंदर जाने का, वो अंदर जाने के दरवाजे में बाहर खड़ा था मैं एक साइड में, तो देखा तो अंदर एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं मज़ार पर, हाँ बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बुरान चौदह सब चीज़ है। तो उनकी नज़र जब मुझको पड़ी तो मैंने सलाम किया, सलामकुम, आओ बेटा अंदर आओ। मैं गया अंदर, मुझे क्या बात है? मैं बहुत परेशान हो, मैं इतने साल से यहाँ काम करता हूँ, मुझसे क्या गलती हो गई कि आप मुझसे बहुत नाराज़ हैं? किसने कहा नाराज है आपको? मैं तो आपसे बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत, तो 3 दफ़ा बोले तब मैं आँख खुल गई। अगर वो मैं उस टाइम में अगर ज़रा देर खुल जाती तो मैं सब पूछ लेता था कि आप कहाँ से आए, क्या हुआ, फिर ये सब चीज़ें मैं पूछता था, तारीख पूछता था, है ना, सब पूछता था। तो वो मैं कुछ नहीं पूछ सका, इतने खुशी हो गई। हाँ तो यहीं से मैं पास भाग के, मैं बात नहीं करता, इतने ही बस उन्होंने इतना बोला तो मैं बस बहुत उठ गया, बस खुश हो, आँख खुल गई। ठीक है, तो ठीक है, आपने जितनी भी जानकारी दी है हमारे नाज़रीन को माशाल्लाह काफ़ी पसंद आएगी, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात कर। तो ये थी हज़रत मुकीम शाह वली के आस्थाने मुबारक की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल जाए। और अगर आपने हमारी औरंगाबाद की और बुल्दाबाद की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जा करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। खुदा हाफिज़।